हेलो गाइज नमस्ते मैं हमित्रिशांक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवब के बारे में रिबअ बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट टॉपिक था तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाए रिब के टॉपिक को रिब होता क्या कैसे यूज करते हैं सारी चीजें इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा आज इसका पहला पार्ट है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा रिबक के पैरामीटर्स क्या होते हैं ताकि आप कोई भी नॉब जब यूज करें तो आपको उसका फंक्शन पता रहे इसलिए मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ की जितने भी नॉब्स रिवब में होती है जो मोस्ट ऑफ द रिवब प्रगि में होते हैं जैसे कि डी लेंथ डैम्पिंग ले सारी नॉब मैं समझाऊंगा आज की वीडियो में ताकि आगे से जब भी आप यूज करें तो आपको पता हो कि आप

है आज तो मेरा तन बदन, मैं हूं, मुझे भर ले अपनी बाहों में है ओके गाइस तो सबसे पहले हम एक सैंड बस बनाएंगे जिसमें कि हम रिबप अप्लाई करेंगे क्योंकि हम रिब सीधे इंसर्ट्स में अप्लाई नहीं करते हैं इसको सैंड बस में या फिर आप उसको रिटर्न बस बोल सकते हैं आप उसको ऑक्स बस बोल सकते हैं आप उसको एफएक्स बस बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं इसमें लूंगा एक प्लगिन जो कि है रूम वर्क जो कि क्यूबेस का स्टॉक रिवर्ब प्लगन है और यहां पे मैं लिख देता हूँ रिवर्ब तो यहां पे हमारा आ गया रिवर्ब रिवप ये रिवर्ब प्लग मैंने क्यों ली है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्स हैं जो कि जो भी बहुत ही अच्छा होगा जानना क्योंकि आप कुछ ज्यादा जानेंगे तो नुकसान नहीं करेगा वो फायदा ही करेगा आपको तो मैं आता हूँ वोकस में और यहां पे मैं क्या करता हूँ कि मैं रिवर्ब में करता हूँ वोकस को सेंड अब सबसे पहले हम यहां देखते हैं यहां एक मिक्स नॉब है अगर आपने ये रिवर्ब प्लगिंग लगाई होती वोकल के इंसर्ट में क्या होता तो आपको यहां पे ड्राई सिग्नल और वेट सिग्नल का एक प्रोपोर्शन सेट करना होता कि मुझे कितना ड्राई सिग्नल चाहिए जो कि मेरा ओरिजिनल वोकल है और कितना हमें रिवर्व वाला सिग्नल या फिर वेट सिग्नल चाहिए कि मुझे 20 परसेंट चाहिए मेरा रिवर्व वाला सिग्नल और 80 परसेंट मेरा ड्राई सिग्नल चाहिए ओके बट यहां पर हमने सैंड बस में लगा इसलिए हम इसको कर देंगे हंड्रेड परसेंट पे या फिर हम यहाँ से वेट ओनली पे भी क्लिक कर सकते हैं इससे क्या होगा कि हमें बस वेट वाला सिग्नल सुनाई देगा इस वाले चैनल से और इसमें क्या होगा कि यहाँ से तो हमें ड्राई सिग्नल मिल ही रहा है तो यहाँ पे जो सबसे पहला सेक्शन है ये इनपुट सेक्शन ये डिसाइड करता है कि कैसा सिग्नल हमारे रिबर प्लगिन के अंदर जाएगा और रिवर प्लगिन उसको प्रोसेस करेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लो हाई अब अगर इसको मैंने कर दिया करीब इसको मैंने हंड्रेड कर दिया और इसको मैंने कर दिया एट तो इसका मतलब यही होगा कि मैं यहाँ रिबर प्लगन के ऊपर एक इी डाल दूँ अगर और यहाँ पे मैं कर दूँ आपका करीब हंड्रेड और यहाँ मैं कर दूँ आपका एट थाउजेंड और यहां से मैं इसको कट कर दू तो ये चीज यही हो गई कि जो सिग्नल हमारा वोगस भेज रहा है रिवब के बस में वो पहले क्या होगा कि पहले उसका लोज एंड हाइज कट जाएगा उसके बाद हमारे रिवब में घुसेगा तो ये इतना एक का काम जो करने से बढ़े हम यहीं से उसको सेट कर सकते हैं ठीक है एक चीज मैं और बता दूं अगर आपको बहुत ही प्रिसाइजली बताऊं तो क्यूबेस कहता है कि जो ये नॉब यहाँ पे दी गई लोज एंड हाइज वाली ये एकदम कट नहीं करता ये क्या करता है कि आपका शेल्फ लगाता है ऐसा वाला और यहाँ पे शेल्फ लगाता है मतलब ये पूरा नहीं कट करता रिड्यूस करता है हाईज एंड लोज को इसके बाद यहाँ पे गेन दिया गया और हाई और लो दिया गया तो अगर मैं यहाँ से हाईज़ बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा कि जो इनपुट है उसको मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ या फिर मैं घटा भी सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से लोज बढ़ा सकता हूँ घटा सकता हूँ सेम चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं ठीक है मैं इक्यू को करता हूँ बंद और यहाँ से मैं इक्यू को हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ क्या है मैं समझाने के लिए इक्यू यूज़ किया था इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो कि कोर पैरामीटर्स हैं रिवर्ब के ये आपको ऑलमोस्ट हर रिवक के प्लगिंग में मिल जाएंगे मे बी उनका नाम कहीं कहीं चेंज हो सकता है जैसे कि रिवब टाइम का नाम कहीं के लेंथ दिया होता है कहीं के इसका नाम दिया होता है डीके ओके तो कैसे हम वोकल को सुनते हैं थोड़ा सा जरा जरा वेकता है वेकता है आज तो ठीक है तो फिलहाल आज हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं आज हम बस समझ रहे हैं कि ये जो नॉब है इनका काम क्या है और यहाँ पे एक नॉब है प्री डिले मैं प्री डिले बढ़ा रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ये भाग रहा है मैं इसको आगे कर रहा हूँ ये चिपक जा रहा है तो प्री डिले क्या करता है कि जब हमारा वोकल सपोज शुरू हुआ उसके कितना देर बाद हमें रिवर्व वाला सिग्नल हमें वेट सिग्नल सुनाई देगा या सुनाई देना स्टार्ट होगा तो अगर मैं इसको जीरो मिली सेकेंड पर रखा हूँ तो जैसे ही वोकल चलेगा उसके साथ साथ रिवर्व चलेगा मैं इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा देता हूँ मैंने सपोज इसको कर दिया हंड्रेड तो जब वोकल्स आएगी तो क्या होगा कि हंड्रेड मिली सेकेंड बाद रिवव स्टार्ट होगा ठीक इससे क्या होता है कि वोकल हमें बाहर सुनाई देता है हमें थोड़ा सा वोकल निखर के या फिर बाहर निकल के सुनाई देता है ठीक है तो ये प्री डीले का काम होता है कैसे सेट करते हैं क्या सेट करते हैं या अगली वीडियो हम देखें जब हम रिवर्ब अप्लाई करेंगे वोकल्स पे इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है साइज अगर तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसलिए इसमें सही है कि ये जो भी चीज़ मैं यहाँ कर रहा यहाँ सारा दिखा रहा है ठीक है वैसे ये दिखाने कोई बहुत फायदा तो है नहीं लेकिन आप लोग को समझाने के लिए काफ़ी ईजी है न साइज़ क्या होता है एक्चुअली रिवर्ब प्रगिंग क्या है जैसे कि इसका नाम है रूम वर्कस अगर आप लॉजिक में देखें तो उसका नाम है स्पेस डिज़ाइनर ठीक है तो रिवक प्लग इन करती क्या है क्या कि एक रूम बनाने का कोशिश करती है इससे हम एक रूम को इमोलेट करते हैं रूम बनाते हैं कैसा रिवक कैसे रूम में आता है उसके हिसाब से हम रूम बनाते हैं तो अगर हमें बड़ा रूम चाहिए तो हम साइज़ बढ़ा सकते हैं और ये किसी बड़े रूम को या फिर हॉल को इमोलेट करेगा अगर इसको मैं छोटा करूँगा तो ये किसी छोटे रूम को एक नॉर्मल रूम को या फिर उससे छोटा बाथरूम को ये इमोलेट करेगा अगर मैं प्ले करके इसको ऊपर नीचे करूँ तो आपको आइडिया होगा आज तो मेरा

ठीक है आप सुन पा रहा है। 5 रहे पांच सेकंड ले रहा करीब मैं इसको अगर दस कर देता हूं तो और लंबा खत्म होगा ये अभी भी चल रहा है ठीक है इसको मैं कर देता हूं अगर दो सेकंड में खत्म ठीक है तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि कितना लंबा हमारा रिवर्ब चलेगा मैं इसको थ्री कर देता हूँ फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे एक डिफ्यूजन चीज़ है डिफ्यूजन क्या है कि लाइक हमारा रिवर्ब जाके कि किसी दीवार पर टकरा है ठीक है अब जो हमारी दीवार है वो कैसी है बहुत प्लेन है या फिर बहुत खुरदूरी वाली है उसके हिसाब से भी हमारा क्या होता है रिवर्ब का कलर टेक्स्चर या कैरेक्टर चेंज होता है तो अगर आप इसको बढ़ाते हैं पूरा जितना बढ़ाएंगे उतना आपका रिवर्ब स्मूथ होगा जितना आप घटाएंगे उतना आपका रिवर्ब क्लियर होगा ठीक है है, महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में ठीक है तो बहुत clearly visible ही ये चीज पे एक रहेगा या फिर सेंटर में रहेगा या फिर स्प्रेड रहेगा तो कितना रहेगा? जिससे इसको मैं कर देता हूँ तो क्या होगा हमारे रिवर्ब एकदम एकदम सेंटर में रहेगा और इसको मैं अगर बढ़ाऊंगा तो हमारा रिवर्ब क्या होगा स्प्रेड होगा मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ पहले मैं इसको करता हूँ और मैं बीच में इसको बढ़ाऊंगा ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अगर आपको नहीं समझ में आया ऐसे सुन के तो आप प्लीज़ हेडफोन्स में या फिर ईयरफोन्स में सुनिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि विथ आप क्या कर रही है इसके बाद हम आते हैं डेंपिंग पे डैम्पिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अब देखिए ये तो इनपुट का था कि हमारा कैसा सिग्नल हमारे रिवप में आया हमारा जो सिग्नल वो प्रोसेस हुआ उसमें रिवअप अप्लाई हुआ अब यहाँ पे होगा कि कैसा सिग्नल बाहर जाएगा ये जितना चीज है ये आउटपुट का है ठीक है और इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डैम्पिंग अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ सपोज मैंने इसको कर दिया हंड्रेड या फिर टू हंड्रेड और इसको मैंने कर दिया आपका टेन थाउजेंड ठीक है तो जो हमारा रिवर्ब का सिग्नल आ रहा है उसमें से ये टू हंड्रेड के नीचे की फ्रिक्वेंसी सारी कट कर देगा और दस हजार के ऊपर के सारी फ्रिक्वेंसी कट कर देगा इट्स सेम लाइक कि मैं यहाँ पे एक ई क्यू लेता हूँ और मैं दो सौ पे क्या करता हूँ कि एक कट लगा देता हूँ और एक कट मैं कहाँ लगाता हूँ दस हज़ार ठीक है तो ये कुछ ऐसी बात होगी कि हमारा जो रिबअ सिग्नल है उसको हमने क्या किया कि हमने ई कर दिया तो आप यहाँ पे एक प्लगइन लगाएंगे और सीपीयू पे एक्स्ट्रा लोड डालेंगे या फिर एक्स्ट्रा काम करेंगे उससे अच्छा आप यहाँ से वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं ना ये आपका डिसाइड करता है कि जब आपका रिबअप खत्म होगा तो उसकी टेल आएगी तो वो उसको हाई फ्रिकवेंसीज़ पर छोड़ के जाएगा या लो फ्रिक्वेंसीज छोड़ के जाएगा लास्ट में अभी मैं ये देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये जो लो फ्रिकवेंसीज है ये दिखा रहा है कि लो फ्रिकवेंसीज हमारी यहाँ पर जाके खत्म होगी पहले हमारी हाईज़ खत्म हो जाएगी बट अगर मैं ऐसे करके इसको बढ़ाता हूँ तो हमारी लूज यहीं पर खत्म हो जाएगा और हमारा हाइस बाद में खत्म होगा मैं पहले क्या करता हूँ हाइस कम कर देता हूँ और आपको सुनाता हूँ पहले जैसा था वैसा कर देता हूँ और सुनाता हूँ आपको लूज आपको सुनाई दे रहा, जब रहा। है जब खत्म हो रहा है टेल को सुनिए ध्यान से मतलब जो लूज है वो सुनाई दे रहा है आपको अगर मैं लूज को कम कर देता हूँ और मैं हाइस को बढ़ा देता हूँ अब देखिए सनसन सुनाई दे रही ना तो वो हाइज है अब इसका हम बैलेंस बना सकते हैं जैसे मुझे दोनों बराबर अगर चाहिए ठीक है इसलिए क्या होता है कि हम हमेशा थोड़ा सा हाइज कम रखते हैं और लोस थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं मतलब ज्यादातर केसेस में ठीक है तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगा डैम्पिंग में ये चीज क्या है यहाँ पे एक इनवेल का सेक्शन यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आपका रिवर्ब सिग्नल होगा उसका अटैक क्या रहेगा उसका रिलीज क्या रहेगा ठीक है ये बहुत बेसिक सी चीज है इसमें कुछ है नहीं और बची ये नॉब तो ये नॉब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया ड्राई वेट का प्रोपोर्शन सेट करती है बाकी इसके अलावा कोई भी चीज इसमें जाने लायक नहीं है तो गैस आज की वीडियो यहीं तक मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो गैस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना अपना ध्यान रखना बाय बाय सी यू जय हिंद